हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम फिर से वापस आए एक और नए चैलेंज के साथ, लेकिन ये चैलेंज है ये काफी डिफरेंट होने वाला है हमारे पिछले जितने भी हमने चैलेंजेस किए हैं। और इस चैलेंज का नाम है कॉलिंग हॉन्टेड नंबर्स चैलेंज। तो इसमें हम जो कुछ हॉन्टेड नंबर्स हैं जो कि हमने बेसिकली गूगल से ही लिए हैं, गूगल में कुछ ऐसे क्रीपी और कुछ ऐसे हॉन्टेड नंबर्स हैं जिनके बारे में काफी कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम ट्राई करें उन नंबर्स पे कॉल करके कि कुछ होता है कि नहीं होता है बेसिकली। बट तुम्हें क्या लगता है यार, पता नहीं क्या होगा। हाँ, मुझे भी मतलब मुझे वैसे तो मुझे लगता है कि ये सब बकवास ही है ना। वैसे होता है, बट उसमें जो चीजें लिखी हैं कि कॉल करेंगे तो डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो काफी ज्यादा वैसा है। क्या है मतलब, क्या डरावना भी है और मतलब काफी डरावना है। तो डरावना है तो इसलिए हमने सोचा कि अगर हम दिन में ये चैलेंज करेंगे तो अब दिन में तो भूत इंटरेस्टेड होंगे नहीं हमसे बात करने में। मतलब हो सकता है कि क्या पता भूत, मतलब रात को ही उनका टाइम होता है। तो हम कुछ, तो फिर हमने 2 बजे, ये देखिए टाइम 2 बज रहे हैं, तो ये 2 बजे हम ये चैलेंज करेंगे और कुछ नंबर्स पे कॉल करेंगे। तो फिर फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि भूत किससे इंटरेस्टेड है बात करने में। प्रिया से इंटरेस्टेड है या मुझसे इंटरेस्टेड है? आपसे इंटरेस्टेड हूं। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बस। तो अब हम ऐसा करेंगे, 1 by 1 कॉल करेंगे, एक एक नंबर को कॉल करेंगे, फिर देखते हैं किसका कॉल पिक होता है। ठीक है? तो पहले आपकी चांस है। नहीं, पहले यार ये क्यों दी थी आप बड़ी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये अपना मुझसे बात करने में कि नहीं है। तो जिस नंबर पे मैं कॉल करने वाली हूँ वो नंबर जो है थाईलैंड का नंबर है। तो इस नंबर के बारे में लोग ये कहते हैं कि आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपका कॉल पिक भी होता है और आपकी कोई भी एक विश जो भी आप बताओगे उन्हें वो विश भी पूरी होगी, लेकिन विश होने के बाद आपकी डेथ हो जाएगी। मतलब विद इन अ वीक आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगी, भाई डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी भाई। देखो अगर मैं अगली वीडियोस में ना आऊं, वैसे एक हफ्ते में होगी डेथ है ना, तो एक हफ्ते में हम एक दो वीडियोस तो बना ही लेंगे आप लोगों को पता चले। अगर मैं एक दो वीडियोस के बाद नहीं आई ना तो इसका मतलब समझ लेना कि अपना तो टाइम हो गया। तो अभी मैं इस नंबर पे कॉल करती हूँ। नंबर है, नंबर डायल करो। लॉक तो यार पता नहीं क्या होगा। हाँ तो नंबर बताओ। लिखो 999 999 और फिर 4 times 9 फिर 1 2 3 4 999 हाँ। तो मैं इस नंबर पे कॉल द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच करें। The number you have dialed is invalid. गलत नहीं डायल किया। Please check the number you have dialed. ज़्यादा नहीं, सही है। चलो मैं तो बच गई, मैं तो बच गई थी। हाँ, तो अभी प्रिया की टर्न है, अब प्रिया बताएगी। सो मेरा जो नंबर है उसमें क्या होता है, मतलब ये कहा जाता है कि एक आदमी था, उसे ना सेलिंग करने का बहुत मन कर रहा था, मतलब उसे जाना था। हाँ, और लेकिन उसके जो भी गांव वाले थे वो उसे बहुत ज्यादा मना कर रहे थे कि मत जाओ मत जाओ, मतलब सब लोग बहुत मना कर रहे थे, नहीं मत करो है ना। और फिर उसे मना कर रहे थे तो, लेकिन फिर भी वो सबके मना करने के बावजूद वो चला जाता है सेलिंग करने के लिए। और फिर क्या होता है, काफी दिनों तक उसकी कुछ न्यूज नहीं पता चलती कि वो कहाँ है क्या है। फिर क्या होता है, उसकी बॉडी वगैरह कुछ मिलती नहीं है कि वो मर गया है कि जिंदा है। हाँ, लेकिन उसकी जो शिप होती है ना वो मिल जाती है। हाँ, उसका फोन, उसका जो फोन है ना, ऐसे कहा जाता है कि उसे कोई यूज कर रहा है, कोई चल रहा है, मतलब कोई चला रहा है। ठीक है, और मार की नींद ठीक है। और फिर मतलब काफी टाइम बाद उसकी मम्मी जो होती है उनके पास फोन आता है। ठीक है, और उनके बेटे के नंबर से ही। ठीक है, और उसमें से उन्हें बहुत ज्यादा क्रीपी नॉइज, मतलब आवाज आती है बहुत डरावनी कि प्लीज हेल्प मी हेल्प मी। तो देखते हैं, हेल्प मी हेल्प मी। तो अभी प्रिया नंबर पर कॉल करेगी। नंबर कौन सा है? नंबर ये वाला है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो इस नंबर पे हम पहले कोड लगाएंगे।
001 978 435 01 63 कितना बड़ा नंबर है, कॉल करो। हाँ स्पीकर पे करना। कॉल खुद ही कट हो गया। कहाँ अभी तक कट नहीं हुआ पागल। हेलो कट कर दे पागल, कट कर दे मम्मा। मुझे भी नहीं भरोसा था, बहुत डरावना था ये। सच में आवाज आ रही थी। मुझे तो बहुत फनी लग रहा है वैसे तो अभी, लेकिन रियल में फोन लगाया है ना। तो अभी मेरी टर्न है, जिस नंबर पे अभी मैं कॉल करने वाली हूँ वो एक जापान का नंबर है, और उसको एक क्या बोलते हैं, उसको सदाकोस नंबर भी बोलते हैं। अगर आप उस नंबर पे कॉल करते हो तो आपको बहुत क्रीपी आवाजें सुनाई देंगी, बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, और जो भी उस नंबर पे कॉल करता है वो विद इन अ वीक उसकी डेथ हो जाती है। मेरे सारे डेथ वाले क्यों आ गए भाई, ये फिर डेथ हो जाएगी, भगवान डेथ हो जाती है। तो फिर एक्चुअली क्या है, अब हम इस नंबर पे कॉल करते हैं, बस बात करते हैं। आप मेरे को बता दें, मेरे नंबर उठा लिया ये। क्या तुम मरने वाली है, मार दूंगी अब मुझे तो पता नहीं। अच्छा तो फिर अभी मैं नंबर पे कॉल करती हूँ, कृपया आवाज सुनने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। बताओ नंबर, इसमें कॉल करके तो आवाज आएगी है ना, बहुत अजीब सी आवाज आती है। सो देखते हैं, एक बार हम ऑलरेडी आवाज सुन चुके हैं। बताओ। चलो 090 090 4 times 4 4 times 4 और फिर से 4 times 4 भूत कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है मुझसे बात करने में, उनको पता है कि उनसे बड़ी भूतनी बैठी हुई है तो बात करने का कोई फायदा नहीं है भाई, बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे बहुत गर्मी लग रही है भूतनी। हाँ तो उससे इसलिए अब भूत भी इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे बात करने में, तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है बात में, पर से क्यों उठा लिया। भूत लोगों को ना क्यूट लोग बहुत पसंद है, क्यूट लोग पसंद है। और तुमने भूत का फेवरेट कलर पहना हुआ है शायद, आई थिंक ब्लैक होता है ना, इसीलिए और ब्लैक बिंदी भी लगाई हुई है, तो अब भूत को बिल्कुल तुम अपने कैटेगरी की लग रही हो। तो चलो अभी ठीक है। फिर मेरा जो नंबर है उसमें ये कहा जाता है, मतलब वो ना नॉर्थ कैरोलिना का नंबर है, और मतलब ऐसा कहते हैं कि इस नंबर पे अगर हम कॉल करते हैं तो एक नंबर हमें सुनाई देता है और वो बार बार रिपीट होता है, और वो असली में मतलब ये होता है कि वो ना एक बाइनरी कोड होता है, और इसमें स्कैरी चीज पता ये है कि अगर हम उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, मतलब उस बाइनरी कोड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, तो उसका मीनिंग होता है डेथ। मेरा भी आ गया डेथ वाला। चलो यार ये ना उठाए प्लीज, जल्दी बताओ नंबर। मैं डाल दूंगी नहीं मैं करूंगा। ये बताओ कहां है ये वाला। 8 to 8 8 to 8
रही हूँ। हेलो हेलो बोला क्या? मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने बोला तो जो भी बोला सॉरी सॉरी समझ हो यार मीन मतलब उसने जो भी बोला बोला उसने उठाया और वो कुछ भी बोल रहा था। अच्छा अब तो मेरी लोकेशन पता चली गई है उसको। अभी देखो मेरे को कब तक किडनैप दीदी को बांध के रखेंगे। अरे नहीं नहीं अब देख लेना कब तक पता चलेगा कि मैं अगर मैं किडनैप होंगी तो मेरे इंस्टा पे और मतलब चैनल पे एक वीडियो बना के डाल देना अगर मैं किडनैप हो जाऊँ तो कि हमारी दीदी किडनैप हो गई है। हाँ मैं किडनैप हो गई तो वैसे मुझे लगता नहीं लेकिन अगर बाई चांस हो गई तो है ना। इसी के साथ हमारा चैलेंज पूरा होता है। हमें बहुत मजा आया और भूतों के पास भी फोन होते हैं। भूतों के पास भी फोन होता है। हमें नई चीजें पता चली हैं। मैं तो ये सोची थी कि भूत तो बस ऐसे ही होते हैं। आजकल के भूत भी तो एडवांस हो रहे हैं ना। हाँ क्योंकि मुझे तो यही लग रहा था भूतों का क्या है कि वो ऐसे ही बस ऐसे घूमते रहते हैं। बट अभी हमें नई चीज पता चली कि भूतों का फोन होता है, उनके नंबर्स होते हैं और कुछ ऐसे लापरवाह भूत है जो अपना फोन चार्ज नहीं करते हैं जिनसे स्विच ऑफ हो जाता है। और क्या चीजें पता चली? किसी का फोन बिजी नहीं आया। किसी का फोन बिजी नहीं आया मतलब भूतों की गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है शायद है ना शायद oh God. है ना। तो अब क्या लगता है? हाँ और लास्ट वाली बात ये है कि अब हमें पता चलेगा कुछ दिनों में हफ्ते भर में शायद सारे भूतों का जो भी था हफ्ते भर में ही था ना। हाँ. उनका रिजल्ट निकल जाएगा हफ्ते भर में
अगर हम जिंदा वापस आएंगे तो ठीक है। वैसे तो मुझे ये स्पैम ही लग रहे हैं, क्या लगता है तुम्हें? पता नहीं मुझे, प्रिया को कुछ नहीं लग रहा है, प्रिया को कुछ नहीं लग रहा है, डर रही है प्रिया, बट कोई बात नहीं बेचारे को बात नहीं। तो फिर मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए बाय।